नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर के तलाक की खबरें आग की तरह फैलने लगी हैं। कहा जाने लगा है कि एक्ट्रेस की दूसरी शादी भी अब खतरे में है। ये गॉसिप तब शुरू हुए जब दलजीत ने सरनेम हटा लिया। कहा तो ये भी गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया से शादी की सारी तस्वीर भी डिलीट कर दी है। मगर अब इन सब गॉसिप्स और खबरों पर दलजीत कौर का रिएक्शन भी सामने आया है, जहां उन्होंने बताया है कि निखिल पटेल और उनके बीच में आखिर क्या हुआ। इन गॉसिप्स पर दलजीत कौर ने कहा है, मौजूद समय में दलजीत भारत में ही है, उनके साथ उनका बेटा जेडन भी मुंबई में है। एक्ट्रेस के पेरेंट्स के हाल ही में सर्जरी हुई है, इस वजह से वो पर्सनल चीज़ों में काफ़ी बिजी हैं। इस बयान में कहा गया कि दलजीत कौर और जेडन अभी भारत में हैं। एक्ट्रेस के पिता की सर्जरी हुई है, इससे पहले उनकी माँ की भी सर्जरी हो चुकी है। ऐसे में एक्ट्रेस परिवार के साथ हैं। इस मुश्किल वक्त में वो कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हैं। ऐसे में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें, वो जल्दी इस बारे में बातचीत करेंगी। मालूम हो 41 साल की दलजीत कौर ने पिछले साल मार्च में दूसरी शादी की थी। शादी के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। निखिल पटेल की भी ये दूसरी शादी थी। पहली पति से उनकी दो बेटियां भी थी, तो दलजीत का भी एक बेटा था। अब कई महीनों के बाद दलजीत कौर मुंबई आई तो लोगों को डाउट हुआ। मगर इन सब खबरों में ये भी है कि दलजीत कौर ने इंस्टाग्राम से शादी की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं, तो तेज़ी से दलजीत के तलाक के र्यूमर्स फैलने लगे हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पर दलजीत की शादी की फ़ोटोज़ हैं, लेकिन सिर्फ एक्ट्रेस से जुड़ी हैं। निखिल पटेल वाली कोई भी तस्वीर उनके सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही है। खैर, अभी तक इन खबरों पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। दलजीत कौर के पहले पति टीवी एक्टर सालीन भनोट, जो बिग बॉस में धमाल मचा चुके हैं, दोनों ने साल 2009 में शादी की थी, मगर साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया था। डिवोर्स के समय एक्ट्रेस ने पति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। दोनों का एक बेटा भी है जेडन, जो अब दलजीत के साथ ही रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।